तो दोस्तों Xiaomi हम सबके लिए पहली बार लेके आ रहा है अपना कीपैड 5G फ्यूचर फ़ोन, जो कि होने वाला है Xiaomi Mi 5G। दोस्तों इस पे हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्यूचर देखने को मिलने वाला है, जैसे कि 2.8 इंचेस का एक HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों हमें मिलने वाला है कॉलकम स्नैपड्रैगन 210 का एक प्रोसेसर। उसी के साथ में दोस्तों हमें रियर साइड में सिंगल 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में हमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा ड्यूल सिम के साथ में। दोस्तों अगर इस फोन की बैटरी के बारे में बात करें तो 2500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि Xiaomi कहता है 2 दिन तक आप आराम से यूज कर पाओगे, तो अच्छी बात है। वही दोस्तों अगर बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम को लेके, तो आपको सिर्फ 8GB इंटरनल 1GB रैम एक ही वेरिएंट का आपको ये फोन देखने को मिलेगा। वही दोस्तों ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाएगा, आपको हॉटस्पॉट आप चला पाएंगे, आराम से मजे ले पाएंगे, तरह तरह के एप्स भी आप चला पाएंगे इस पे। और रही बात दोस्तों अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की और लॉन्च डेट के बारे में, तो दोस्तों Xiaomi ने कहा है ये डिवाइस जो है आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 3999 पे, यानी कि 4000 के अंदर में आपको मिल जाएगा। और रही बात लॉन्च डेट की, तो अप्रैल 2022 तक आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा Flipkart एक्सक्लूसिव सेल में। तो आपको नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये Xiaomi कीपैड।